तो हे गाइस, पिछले व्लॉग्स देखने के बाद आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले थे। तो अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं करौली। 6 घंटे सफ़र करने के बाद हम करौली आ चुके हैं। तो सब लोग बहुत थके हुए हैं। आप पहले रूम देखते हैं, यहाँ पर रूम मिलेगा, उसके बाद हम रूम में रेस्ट करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। जो रातें रातें जो तेरी बातों पे बातें बजाए ना। आज फाइनली हम करौली पहुँच चुके हैं और ये है हमारी धर्मशाला। यहाँ पे प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। अंदर से दिखाते हैं, पहले एक रूम लेते हैं। तो ये है भाई, ये इनके इनवाइट किया है हमें। तो कैसा इंतजाम है? इंतजाम है एक नंबर। तो अब हम जा रहे हैं माँ करौली धर्मशाला। तो हमें रूम भी मिल चुका है, तो रूम में सामान रखेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को यहाँ से निकलेंगे। तो चलते हैं फिर रूम। गिर ही रहा ये कैसा कुआ है, वक्त अब खुदा ही का नाम। रूम लिया था, आरती में। तो हम जा रहे हैं केला देवी भैया के दर्शन करने आरती में। केला देवी आश्रम रुके हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? रास्ता ऊपर जाने का, यहाँ से जाएंगे सीधा केला देवी मैया का मंदिर दिखेगा हमें। अभी जाते हैं, हमारे दो बंदे रह गए, उनका वेट कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे हम। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ केला देवी मैया के दरबार पर, और यहाँ से हम चढ़ के जाएंगे। तो कौन कौन है दर्शन करने के लिए निकलते हैं? चलो चले, चलो जय माता दी बोल के सारे कर देंगे दर्शन। जोर से बोलो जय माता मैया की, जय केला मैया की। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत। दर्शन हो चुके हैं हमारे, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए थे। पूरा मंदिर खाली पड़ा है, बाहर भीड़ लगी हुई है, लेकिन दर्शन बहुत प्यारे हुए। आरती हो रही है शाम के टाइम, तो अब आरती करते हैं और फिर यहाँ से फंक्शन की ओर निकलते हैं। का गीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रेम। तो गाइस काफ़ी है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ शांति पड़ी हुई है। इस टाइम में तब भी बहुत कम भीड़ है, तो भी काफ़ी कम भीड़ है। हमने एक बार और दर्शन कर लिए, आज हम सारी जगह के दो दो बार दर्शन कर लिए आएंगे, फिर से दर्शन करेंगे। मज़ा आ गया। मंगल दर्शन होते हैं 4:30 बजे, अब एक बार आ जाएंगे, उसके बाद गर्म करवाना। तो अब जा रहे हैं फंक्शन में, थोड़ा सा और देख लेते हैं, मंदिर घूम लेते हैं जहाँ पर इनवाइटेड थे। मैं पता है पूरे 5 साल बाद आया हूँ यहाँ पर। मैं जब 10th में था तब आया था, उसके बाद से अब अपने पहनेंगे स्लीपर्स। बच गए जूते यार, मिल गए हमें वापस, होते हैं यहाँ। सभी भगवान गणेश की वंदना, भगवान गणेश की आराधना करेंगे। जरा एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएं।
कह दो ना हमें आज तो दे दो ना एक बात तो छेड़ो ना जज्बात में खो लेना ओ मेरी हेर हो ना खफा ओ मेरी हेर जलना आज रात के बज रहे दो और फुल एंजॉय हो रहा है कॉफी भी आ रही है और वहाँ चल रहा है अपना दिया गया रात के दो बज रहे हैं अब सोने की सोची थी फिर सोने नहीं जा रहे हैं आज यही रुकेंगे रात भर सुबह सीधे दर्शन करके चार बजे लाइन में लग जाएंगे दर्शन करके उसके बाद सीधा गाड़ी में सोएंगे अब फिर कॉफी पी लूं मैं आपका स्वागत है सुबह के चार बजे रहेगा हम जा रहे हैं दर्शन करने सुबह चार बजे दुकान है खुल गई है यहाँ पे चार बजे गाइस अब दर्शन करेंगे बढ़िया चलते अंदर भाई यहाँ लगी है लाइन वेट करेंगे थोड़ी देर अंदर जाएंगे तो चार बजने में बची हैं 10 मिनट पंडित बता दिए सारे रुपये पड़ेंगे मिल ले जाओ चार बजने में बचे हैं 10 मिनट 5 मिनट 5 मिनट तो 5 मिनट में डोर ओपन होने वाले हम लोगों के अलावा कोई नहीं है यहाँ पे मतलब थोड़े से 4 लोग और आए खड़े हैं कुल मिला के ओवरऑल 10 से 12 लोग होंगे दर्शन करते हैं और जब कैमरा बंद कर लेंगे वो मोबाइल तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए इससे बहुत अच्छे दर्शन तो अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे अब सोएंगे 2 दिन से सोए नहीं है वो बिल्कुल भी तो पहले रूम पे चलते हैं सोते हैं 1-1.5 घंटे पहले रूम पे चल रहे हैं फिर बात करते हैं क्या करना है तो ये लोग यहाँ ये दीपक वगैरह लगा रहे हैं तो दीपक लगाने के बाद निकलते हैं यहाँ से मॉर्निंग गाइस बहुत ज़्यादा सोने के बाद हम 5 बजे आके सो गए थे अब हम 7:30 बजे उठे हैं अब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो अब पहले चाय पी लेते हैं निकलते हैं यहाँ से मिलते हैं थोड़ी देर बाय तो वहाँ से निकलने के बाद हम सीधा फिर घर की ओर निकल लिए थे और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो पहले नाश्ता करते हैं नाश्ता करने के बाद हम लोग घर जाते हैं फिर मैंने कुछ शूट नहीं कर पाया